हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा सेशन है वो एग्जाम पोस्टपोन को लेकर है। अभी जब आपने एक न्यूज सुनी कल कि क्लैट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया और आज न्यूज आई है कि एक्स वाई ग्रुप का एग्जाम अगेन पोस्टपोन हो गया, तो कल जब क्लैट का एग्जाम पोस्टपोन आया हुआ तो मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज किया और आज एक्स वाई ग्रुप के बाद तो काफी सारे फोन आए, मैसेज आए कि सर क्या एनडीए का, जेई का या नीट का एग्जाम या एमसीए का एग्जाम फिर पोस्टपोन होगा। तो मैंने सोचा कि मैं एक सेशन लेता हूँ और आपको इस सिचुएशन के बारे में भी बात करता हूँ, एग्जाम पोस्टपोन को लेके भी, इसको हैंडल कैसे करना है और हम क्या करें कि अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार कर पाए। तो पहले मैं कुछ बात कहना चाहूंगा, जैसे आपने सुना कि क्लैट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, एक्स वाई ग्रुप का पोस्टपोन हो गया, अब आने वाला जो सबसे बड़ा एग्जाम है वो जेई का है सेप्टेम्बर में, एनडीए का भी है और नीट का भी है, एमसीए की तो अभी खैर डेट ही नहीं आई। तो ऐसे में हम क्या करें, अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर करें, फिजिकली प्रिपेयर करें, क्योंकि हम ये बात अप्रैल से देख रहे हैं, पहले पोस्टपोन हुआ फिर पोस्टपोन हुआ, माइंड को सेट करते हैं चलो अब एग्जाम होगा, फिर एक बार ये न्यूज आती है तो मन में कहीं ना कहीं निराशा आती है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ने में वो एनर्जी नहीं रहती और कहीं ना कहीं डलनेस फील करते हैं। ऐसे आप लोगों के जो मैसेज आए और जो एक्चुअल पॉसिबल रियलिटी भी है वो इस तरह की हो सकती है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि ये जो समय है ये एक बहुत टफ सिचुएशन है और इस टफ सिचुएशन के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, आप अपनी पढ़ाई के तरीके को बदल दीजिए, मतलब आप अपनी पढ़ाई किस तरीके की सोच को बदल दीजिए, यानी मैं ये बोलूंगा कि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करने की जगह एग्जाम डेट ओरिएंटेड पढ़ाई करने की जगह पढ़ाई करने का पैटर्न को थोड़ा सा चेंज लाएं, मतलब आप अपने पढ़ाने में पढ़ने में एक ही चेंज लाएं कि एग्जाम जब भी होगा, चाहे एग्जाम कल हो जाए, चाहे एग्जाम दो दिन बाद हो, चाहे एग्जाम एक महीने बाद हो, चाहे चार दिन बाद हो या चार महीने बाद, मैं हर तरह से तैयार हूं, मैं एग्जाम के हिसाब से एग्जाम डेट के हिसाब से अपने आप को अब तैयार नहीं करूं। अगर आपने ये बात अपने अंदर डेवलप कर ली तो मैं एक चीज बोलूंगा कि आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि जब आप अपने माइंड को इस ढंग से सेट करते हैं कि चलो अब जुलाई में एग्जाम होना है, जुलाई में पता चलता है कि सेप्टेंबर में एग्जाम होना है, सपोज सेप्टेंबर में पता चलता है आपको कि एग्जाम अक्टूबर में होना है, नवंबर में होना है, फिर जब आप ये डेट के साथ अपने आप को तय करते हैं तो आपकी पढ़ाई के पैटर्न में फर्क पड़ता है। तो मैं ये बोलूंगा आपसे कि अभी हमें एक हफ्ते में ये पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी कि जेई का एग्जाम, एनडीए का एग्जाम, नीट का एग्जाम, ये सब भी आने वाले समय में पोस्टपोन होंगे कि नहीं। पर एक रियलिटी ये है कि अभी इंडिया में कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको ये भी पता है कि सेप्टेंबर मंथ ऐसा मंथ है जिसमें चांसेस है कि इंडिया में हम पीक पे आए। इस समय किसी भी गवर्नमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाना बहुत ही टफ सिचुएशन है, क्योंकि एग्जाम होने का मतलब होता है कि एक ऐसे माहौल में एग्जाम हो जहां पर डिस्टेंस भी मेंटेन किया जा सके, हर बच्चा जा सके, सैनिटाइज भी प्रॉपर हो, और इतना लाखों बच्चा अगर एग्जाम देने जाएगा तो सोचिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी अनलॉक होने के बाद आपने एक चीज नोट करी कि सिचुएशन इंडिया में टफ होती जा रही, ये होना भी था। अब ऐसे में अगर एग्जाम होंगे, सपोज अगर आज आईआईटी के एग्जाम की बात करूं, अगर आज आईआईटी का एग्जाम हो तो 10 लाख बच्चे एक साथ निकलेंगे, अगर आज जेई का एनडीए का एग्जाम हो तो 3 लाख बच्चे निकलेंगे और इन बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी निकलेंगे, ट्रेवल भी करेंगे, ऐसे में किसी एक को भी पॉजिटिव है तो कितने लोगों को पॉजिटिव कर सकता है। तो हम एक ग्राउंड रियलिटी को समझें कि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि कोई एग्जाम बहुत आसानी से हो पाए, पर हम अपने आप को एक नई तरीके से पढ़ाई करने का तरीका देखें, सोच लें कि भगवान ने ये टफ सिचुएशन दी है, आज से पहले ऐसी कुछ ही लोगों को मिलती थी ऐसी सिचुएशन और वो कुछ कर दिखाते थे, आज भगवान ने सबको दे दिया, कंडीशन ऑड है, इस ऑड कंडीशन में इवन क्या कर सकते हैं वो सोचना है। आपको अपनी पढ़ाई में एक नया चेंज लाना चाहिए। सब कुछ पढ़ चुके हैं, मुझे बच्चे ये भी मैसेज कर सकते हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं सर, प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कर लिए, पुराने पेपर्स भी लगा लिए, सेकंड टाइम रिवीजन भी कर लिया, अब क्या करें। बात सही है, सब कुछ हो चुका है, अब क्या करें। मैं बोलूंगा अब आप एक नए सिरे से फिर से पढ़ना चालू करें और इस बार पढ़ाई में एक नया चेंज लाएं, एक नई एनर्जी के साथ पढ़ें कि सोचिए हर क्वेश्चन के एप्लीकेशंस क्या है, एक बात। दूसरा, टाइमिंग को रिड्यूस करने की कोशिश करें, यानी आप जो पुराने पेपर सॉल्व करें उनको पहले जितने भी टाइम में सॉल्व किया है, मान लीजिए 2 आवर का पेपर है, हो सकता है आप उसको 1 आवर में कर भी चुके हो, अब 30 मिनट में करने की कोशिश करें, नई एनर्जी के साथ नए सिरे से पढ़ना चालू करें। दूसरा, अब बुक खोल के पढ़ाई करने को बंद करके बिना बुक के पढ़ाई करना चालू करें। मैं जो बात बोल रहा हूं, अगर आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझा तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप
वो रिजल्ट दे देंगे जो आपने सच में नहीं सोचा होगा। यानी अब आपकी पढ़ाई का एक नया पैटर्न डेवलप करो आप, कि आप बुक खोल के नहीं पढ़ोगे, आप बुक बंद करके पढ़ना चालू करें। मतलब आपको करना यह है, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, एक आइडिया दे रहा हूं, मान लो कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन कर रहे हैं, मान लो आप बाइनोमियल थ्योरम का रिवीजन कर रहे हैं, मान लो आप लिमिट का रिवीजन कर रहे हैं, मान लो आप कोई भी एक वाई जेड टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो आप अब पूरे, अगर आप आईआईटी दे रहे हैं तो आपको पीसीएम का रिवीजन करना है, अगर आप एनडीए दे रहे हैं तो आपको मैथ्स प्लस जीएटी का रिवीजन करना है, अगर आप नीट दे रहे हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी का रिवीजन करना है, आप और कोई एग्जाम दे रहे हैं, मान लो एमसीए दे रहे हैं तो आपको मैथ्स कंप्यूटर फंडामेंटल क्यूए एलआर इन सब का रिवीजन करना है। क्या किया जाए? तो आज से एक नई पढ़ाई करने का तरीका हम अपने आप को डेवलप करेंगे। मतलब हम जो भी टॉपिक सोचते हैं पहले एक उसका प्लान ऑफ एक्शन बनाए प्रॉपर, कि इस ऑर्डर में मैं पढ़ाई करने वाला हूं। जैसे मैं एक मैथ्स का आइडिया दे रहा हूं, इससे आप बाकी सब्जेक्ट पे भी करिएगा वर्क, कि मान लो मैं जैसे पहले पूरा एलजेब्रा खत्म करना चाहता हूं, एलजेब्रा के बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री खत्म करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के बाद कैलकुलस खत्म करूंगा, फिर वेक्टर, फिर 3D, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर स्टेटिस्टिक्स, ऐसे। तो एलजेब्रा के जो टॉपिक्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, लाइक सेट थ्योरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस, एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, जितने भी टॉपिक्स हैं, और ये 10 टॉपिक की लिस्ट बनाई ऐसे हर टॉपिक की, और आपने एक ब्लैंक कॉपी ली। पहले आपने जितना भी टॉपिक का थ्योरी आता है वो करा, फिर आपने क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर ऑलरेडी किए, कोशिश करिए रिमाइंड करने की कोशिश करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं। यानी ये वो टेक्निक है जो आपकी मेमोरी को बहुत डेवलप करेगा। पूरे टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश करिए मेंटली। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आज से मान लो आपने बॉर्डर फिल्म देखी कि नहीं, एक एग्जाम्पल, आप बोलेंगे सर देखिए, मैं बोलूंगा जरा स्टोरी याद करो, आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद करिए, आपके सामने 3 घंटे की पूरी मूवी सामने आने वाली है, वो काम करना। तो आपने पूरा मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन किया, ब्लैंक पेज पे लिखते जाना है, ये मैं बता चुका हूं पहले, अब इसमें और एडवांस बता रहा हूं। फिर जितने भी क्वेश्चन दिमाग में आते हैं वो लिखे, फिर प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन दिमाग में आते हैं वो लिखे, और उसके बाद फिर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुक खोली और 1/4 टाइम में बचे हुए क्वेश्चन और जो किए हुए क्वेश्चन उनको सॉल्व करना है। यानी हर एक टॉपिक के साथ ये करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अगले 1-2 महीने में आप बहुत परफेक्टली रिवाइज कर पाएंगे। दूसरा, एप्लीकेशन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड और कंसेप्ट बेस्ड को रिविजन में लाओ। मतलब क्वेश्चन की ट्रिक्स की जगह कंसेप्ट पे वर्क करो, ये आपको बहुत फायदा देगा। मैं एक और बात बोलूं कि आज ये सेशन ले रहा हूं, मैंने कुछ समय से सेशन नहीं लिए, पर इस सेशन के साथ ही अब आपको अगले वीक के बाद से, यानी मंडे से, नेक्स्ट वीक से मैं आपके साथ इसी टेक्निक के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को नए सिरे से, नए तरीके से रिविजन्स करवाऊंगा। हफ्ते में 2-3 क्लास होंगी, 6 नहीं होंगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में काफी अभी लोड है, बच्चे ऐप के थ्रू पढ़ाई करते हैं तो मेरी काफी ज्यादा क्लास होती है, इसी वजह से ज्यादा सेशन नहीं ले पा रहा हूं, पर फिर भी जितने भी पॉसिबल होंगे वो सेशन जरूर आपके साथ लूंगा। पर ये नई टेक्निक अपनाइए, अगर आप जिस भी एग्जाम को दे रहे हैं, क्लैट का दे रहे हैं तो क्लैट के सब्जेक्ट, नीट का दे रहे हैं तो नीट के सब्जेक्ट, एनडीए का दे रहे हैं तो एनडीए के सब्जेक्ट, ये जनरल सेशन लिया मैंने, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं ये तो हमें एग्जाम के 15 दिन पहले पता चल जाएगा। अच्छा, अब इस टेक्निक में आप बोलेंगे सर अभी तो न्यूज नहीं है जेई की, अभी तो न्यूज नहीं है एनडीए की, अभी तो न्यूज नहीं है नीट की, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, आप धीरे धीरे पढ़ना तो चालू करें, अगले 10 दिन में हमें सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए एग्जाम 1-2 महीने बढ़ता है तो हम इसी ढंग से पढ़ेंगे, नहीं बढ़ता है तो हम अपना रिवीजन क्विक निपटा देंगे। पर यह सोचते रहना कि एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं, ये सबसे डेंजरस है। एक्चुअल में अभी बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं और करते हैं कि वो इस चिंता में ज्यादा है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं, इतनी मेहनत से हम पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, अगर इस साल एग्जाम होगा कि नहीं, ये भी मेरे पास कि सर इस साल एग्जाम होगा कि नहीं, हमारा पूरा 1 साल चला जाएगा। बेटा, ये सिचुएशन इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की है और रियलिस्टिक सिचुएशन है, इसको हमें फेस करना है, इसको हमें समझना है, लाइटली नहीं लेना है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये 1 साल किसी का भी खराब नहीं हो रहा है,
ये तो पूरे वर्ल्ड के साथ प्रॉब्लम आई है, पर इस प्रॉब्लम को हम कैसे फेस करते हैं ये हमारे हाथ में। बोलते हैं ना हम हमेशा गॉड से कि गॉड अगर आपने कोई प्रॉब्लम दी तो सॉल्यूशन भी दिया, हम हमेशा ये बोलते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जिन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आई वो कितने सक्सेसफुल है। गॉड ने कहा सबको प्रॉब्लम दे देते हैं, अब आपके पास आगे बढ़ने का मौका है, अब आपके पास कुछ कर दिखाने का मौका है। अब ऐसा नहीं कि स्टीव जॉब के साथ प्रॉब्लम है, बिल गेट के साथ प्रॉब्लम है, नारायण मूर्ति के साथ प्रॉब्लम है, धीरूभाई अंबानी के साथ प्रॉब्लम है, ये वो लोग हैं जिनके मैंने नाम लिए जिन्होंने आउट कंडीशन में कुछ कर दिखाया। अब सब कुछ साथ है, अब हम क्या कर सकते हैं? तो हमें खुद को भी खुश रखना है, अपनी फैमिली को भी खुश रखना है और कुछ नया करना है। और इन सब में एक चीज जरूर करिए कि एक घंटे की रोज एक्सरसाइज जरूर करना है, जिसमें योग, मेडिटेशन, रनिंग, जो कर सकते हैं वो करिए, और जितना दूर रहे लोगों से कम संपर्क में आए ये भी करना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है। एक के वजह से कितने नंबर बढ़ते हैं वो आपको पता है। इसका मतलब हमें इन सब बातों का ध्यान रख के एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ पढ़ना है। ये सोचते रहना कि एग्जाम होगा कि नहीं ये ज्यादा बेकार है, इससे ज्यादा अच्छा है कि ये सोचना कि एग्जाम जब होगा हम देंगे, पर जब तक एग्जाम नहीं होगा मैं और जोश और एनर्जी और उत्साह के साथ पढ़ूंगा, डबल एफर्ट डालूंगा, इतना अच्छे से पढ़ूंगा और कंसेप्ट डेवलप करूंगा हर टॉपिक को। मैं आपको बताऊं इतने साल पढ़ाते हो गए, पर जब भी मैं कोई टॉपिक नया पढ़ाता हूं मैं कुछ नया सीख लेता हूं। जब मैं पढ़ाते में नया सीख सकता हूं तो आप पढ़ते में क्यों नया नहीं सीख सकते? मान लिया 80% सेम है, पर आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो 10-20% कुछ नया निकाल लेंगे, वो नया ही तो आपको एग्जाम में डेवलप करेगा। क्वेश्चंस बनाने की आदत डालिए। अब तक आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अब मैं बोलूंगा क्वेश्चन डेवलप करिए। क्वेश्चन फॉर्मेशन सीख गए तो एग्जाम में आपको समझ लो कि आपको कोई पछाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेशन का मतलब है कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो गए, इतने स्ट्रांग कंसेप्ट बिल्ड कर लिए आपने कि अब आप किसी भी तरह के क्वेश्चन टॉपिक के सॉल्व कर पा रहे हैं। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे पीएनसी हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, हर पे क्वेश्चन डेवलप करिए, सॉल्यूशन निकालिए, आपका लॉजिक भी बढ़ेगा, अप्रोच भी बढ़ेगी, और ये सब फालतू बातों से दिमाग को निकालना है। किसी की ये बात नहीं सुनना। बहुत बच्चे आपस में बात करते हैं जब यहां पे मुझे, क्योंकि मेरे साथ इतने बच्चे जुड़े हैं, वो कि सर वो बच्चा बोल रहा है बहुत डिप्रेशन में, बोलता है ऐसी बात ही मत सुनो, ऐसे बच्चे से बात बंद करना कर दो जो ये बोले। हाँ, अगर करते हो और वो डिप्रेशन में तो उसको डिप्रेशन से बाहर निकालो, उसका सपोर्ट मत करो, हाँ मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। सब कुछ दिमाग का खेल है, हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा सब कुछ दिखने लगता है। तो ना आप दिमाग को अपनी इंफॉर्मेशन दो, ना किसी की बात सुनो। जो मैंने आज आपसे बोला, नई एनर्जी नई उत्साह के साथ फिर से पढ़ो। जैसे ही कोई नई न्यूज आएगी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आगे की प्लानिंग भी मैं आपके साथ उसी तरह से डिस्कस करूंगा। एक मैंने आपको रफ आइडिया दिया कि अभी क्या करना है, इस चीज को जरूर करने की कोशिश करिए। जैसे ही कोई एनडीए, जेई, नीट, एमसीए, जिस भी एंट्रेंस एग्जाम की कोई न्यूज आएगी मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, सारी बातें छोड़ दें, बस एक चीज याद रखें, हैप्पीनेस इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो फिट रहेंगे, और फिट रहेंगे तो कोई बीमारी आपको नहीं पकड़ेगी। निराशाओं से बाहर निकल जाइए, नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।